परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट विस्तार हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं। क्योंकि हम आज क्लास 12 वालों को अगली वीडियो के रूप में समाकलन का चैप्टर देने वाले हैं, इसलिए हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को यहाँ उपस्थित किया है जिसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। और ये महत्वपूर्ण सूत्र कक्षा 11 और 12 दोनों क्लास के लिए ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि 11 में अवकलन है और 12 में समाकलन। तो अवकलन को हमने पहले अवगत कराएंगे आपसे, हम आपको पहले अवकलन से अवगत कराएंगे, इसके पश्चात हम आपको समाकलन बताएंगे। तो आइए देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं कि यह आपका है कि एक्स प्लस ए होल पावर एन इक्वल एक्स पावर एन प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एक पावर एन। याद करना एकदम आसान है, एक्स प्लस ए पावर एन, एक्स की घात को एन से शुरू करिए, यहाँ आपका एन सी जीरो लिख सकते हैं, एन सी जीरो लिख सकते हैं, एन सी जीरो मीन्स या ए की घात जीरो का मान एक हो गया, खत्म। एन सी वन, एक्स की घात एक कम हो गई, ए की घात एक बढ़ी तो जीरो से एक बढ़ा तो एक आया। एन सी टू, एक्स की घात दो कम हुई, ए की घात दो बढ़ गई। इस प्रकार से ये इसका विस्तार हुआ। और इसी विस्तार में यहाँ हमने ए के स्थान पर अगर एक रख देंगे तो वन प्लस एक्स पावर एन के विस्तार में इतना प्राप्त होगा, यहाँ आएगा वन, क्योंकि यहाँ वन एक्स के स्थान पर है, और तो वन हुआ, वन पावर एन वन होगा, प्लस एन सी वन की वैल्यू वन एन होगी पर इंटू यक्स, क्योंकि एक हाथ एक है तो यहाँ यक्स आया। इस प्रकार से ये विस्तार इसी पर आधारित ये विस्तार है। इसके बाद आइए एक्सपोनेंशियल पावर ई पावर यक्स, इसकी वैल्यू होती है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है ये, ठीक। और ई पावर माइनस यक्स, जहाँ पे विषम टर्म है, जैसे यक्स की घात एक है, तीन है, पाँच है, सात है, इस पर माइनस लग जाएगा, बाकी प्लस रहेगा, क्योंकि यक्स की घात माइनस ई की घात माइनस यक्स है, यक्स के स्थान पे माइनस यक्स रखेंगे तो जहाँ एक है यहाँ माइनस हो जाएगा, दो पे वर्ग होगा प्लस हो जाएगा, तीन पे माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से इसका विस्तार हुआ। ए पावर यक्स की वैल्यू इतनी होती है वन प्लस एक्स लाग ई लाग ए बेस ई प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू लाग ए बेस ई होल स्क्वायर। फैक्टोरियल दो प्रकार से होता है, फैक्टोरियल एक ऐसे बनता है दूसरा ऐसे, चाहे इस तरह का चाहे इस तरह का, जिस तरह की बना हो दोनों फैक्टोरियल का कार्य करता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो इसमें लिखा गया है यहाँ से लेकर के सीधे एक तक गुणा, इसका मान होगा दो गुणे एक, अगर यहाँ पाँच लिखा है तो पाँच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक इसका मान होगा। इस प्रकार से फैक्टोरियल का ये मीन्स होता है। तो आइए इसके बाद देखिए, लॉग वन प्लस एक्स की वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस एक्स क्यूब अपान थ्री माइनस एक्स पावर फोर अपान फोर डॉट डॉट, ये वन प्लस लॉग वन प्लस एक्स की वैल्यू है, लॉग वन माइनस एक्स की वैल्यू होगी माइनस एक्स, यानी एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख दीजिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है ही, वर्ग होगा तब भी माइनस रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ही, ये आपकी लॉग वन माइनस एक्स की वैल्यू हुई। साइन एक्स का मान होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स क्यूब एक्स पावर फाइव अपान फैक्टोरियल फाइव माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। कॉस एक्स की वैल्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू प्लस एक्स पावर फोर अपान फैक्टोरियल फोर माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। टेन एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन अपान थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू अपान फिफ्टीन एक्स पावर फाइव प्लस डॉट डॉट होता है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण विस्तार आपके समाप्त हुए। इसके बाद हम आपको कुछ लिमिट के मान बताएंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपान एक्स इक्वल वन, साइन एक्स अपान एक्स में साइन कोण बटे कोण का मान एक होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स इक्वल जीरो, यानी कॉस में कोई भी कोण दिया है अगर लिमिट वह कोण की कोण जो है जीरो बराबर टेन कर रहा है तो वह उसकी वैल्यू वन होगी। लिमिट एक्स टेंस जीरो टेन एक्स इक्वल वन होता है। इस प्रकार से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपान एक्स इक्वल जीरो होता है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस एक पावर एन अपान एक्स माइनस वन इक्वल होता है एन इंटू एक पावर एन माइनस वन। यहाँ तक आपके लिमिटिंग वैल्यू भी समाप्त हुए। इसके बाद ये मानक वैल्यू है, इसको आप सीधे सीधे पुट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस में। इसके बाद आप देखिए कि हम आपको अवकलन से अवगत कराएंगे कि किसी भी फलन का अगर अवकलन करना है वो एन घाती है तो उसका घात जो है गुणांक में आ जाता है और घात में एक कम हो जाता है। इस प्रकार से डी अपान डी एक्स,
डी मीन्स डिफ्रेंसिएशन, डी एक्स मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यानी यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसका मान आएगा यक्स घाते एन, अगर है तो इसका अवकलन होगा एन यक्स घाते एन माइनस वन। इस प्रकार से डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इक्वल वन अपॉन एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स एक पावर एक्स इक्वल एक पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है, डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट, कोई भी अचर राशि अगर है उसका अवकलन करेंगे आप तो वह जीरो होता है, कांस्टेंट का अवकलन जीरो। इस प्रकार से 22वें में आपका है कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ए, इसका अवकलन होगा वन अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का अवकलन टेन एक्स इंटू सेक एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अवकलन से आपने संबंधित सूत्रों को जाना, तो अगर अवकलन से संबंधित सूत्रों को आप जान चुके हैं तो इसके पश्चात आप समाकलन से संबंधित सूत्रों पर आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है समाकलन। तो आज की वीडियो क्लास में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण विस्तार और अवकलन से संबंधित सूत्रों को अवगत कराया है। अगली वीडियो में हम आपको समाकलन से सूत्र और उसके कुछ सवालों से आपको अवगत कराएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।